बेटे के खिलाफ ये बयान दे रहा हूँ कि मेरे बड़े बेटे के खिलाफ जलन करते जाना बार बार उसके पर हमला कर रहा और ये मेरा छोटा बेटा हसन जी अली ये हसन जी अली पे हमला कर रहा हूँ बड़े बेटे का नाम हसन जी अली है और मैं चाहता हूँ कि बार बार ये मैं दखल करना चाहता जो भी पैसे निकाल दे दूंगा घर में कराएंगे और उसको यहाँ से बेदखल करना चाह रहा हूँ घर में से कि बार बार आपके ऊपर भी हाथ उठाया कि मेरे पर भी हाथ उठाया इनसे ये हफ्ते में दो मरतबा हुआ तो आप कंप्लेन करे बीएसएनएल और करा साहब कंप्लेन किया आई अच्छा तो सीआई साहब आपको कुछ रिस्पांस दिए और ये तो फिर हमारे भांजे साहब आके जाका वहाँ कर दिए खालिद मोहम्मद साहब आके अच्छा तो फिर मैं मजबूर होगा इसकी वजह क्या है वजह क्या है वो पहलवान जो है ना उन्होंने समझदारी से बोले कि कहाँ लड़े थे मामू बेटे थे बोलिए जाकर वहाँ कर दिए लेकिन बाद में फिर उन्होंने जाने के बाद भी झगड़ा हुआ मेरा उसका अच्छा और बदलाफी से और अपनी औलाद को खुद मारता अब उसके बाद बीवी बच्चों को भी अलग दूर अलग कर दिया एक महीने से बीवी बच्चे भी उसके घर से छोड़ कर चले गए अच्छा उसके सुधार वाले भी सब खिलाफ है उसके डॉक्टर जा रहे हैं कंप्लेंट कर रहे हैं आप पुलिस से क्या मदद चाह रहे हैं पुलिस से मदद चाह रहा हूँ कि मेरे बड़े बेटे की हिफाजत हो और उनके दोस्त अहबाब की भी हिफाजत हो जो शरीफ बच्चे है जो कभी पांच रुपए का चारा नहीं भरे और उनके पास नहा तोहमत लगा के जो है ना उनके पास फेंक दूक कर दो पूरा तो आप लोगों में से कोई उनके ऊपर हाथ उठाए मैं छुड़ाने में था अच्छा मैं छुड़ाने में था और जो है ना बेकाबू भाई को मारने की कोशिश कर रहा था रात के तो आपके बेटे पे तो कोई भी हाथ नहीं उठाया ना नहीं दूसरे को छोटे बेटे पे यानी कि जो आके आप लोग आपके ऊपर छोटे बेटे पे कोई हाथ नहीं उठाया नहीं उठाया ना ये सब झूठे इल्जाम लगा के जो घरों में पांच रुपए चार बजे उनके ऊपर इल्जाम लगा तोहमत लगाया तो आपके जो छोटे बेटे है उन्होंने पुलिस से तालुकात है उनके पुलिस से कमिश्नर तक के तालुकात है डीसीपी से तालुकात है आपके सतनारायण साहब से तालुकात है रामगुंडा में है उन्होंने और हर एक से तालुकात से नाजायज फायदा उठा रहे हैं बात करे कि बाबू राव साहब को फोन करे थे बात करे तो ताजुद्दीन साहब को फोन करे थे उन्होंने और बात करे कि अब नए डीसीपी कौन है ये तो नहीं मालूम मुझे तो उनसे फायदा कर रहे थे डीसीपी साहब जो है ना घर भी बार बार जो है ना यहाँ झूठे कंप्लेन देख के बस्ती के खिलाफ रोजाना पुलिस को लगा और ये चीज अच्छी नहीं है बस्ती वालों के लिए जो हमेशा जो है ना तकलीफ दे रहा बस्ती वालों को और ना कि घड़ी घड़ी जो है ना बच्चे ये बंद कर दिए वो बंद कर दिए बल्कि जो है ना झूठे सरकल साहब को ला रहा एसआई साहब को ला रहा और फिर बच्चों को फिर बुलाया आज कि जो है ना मैं इसके लिए जो है ना कि हमारे बस्ती वालों से माफ़ी चाहता हूँ और जो है ना इस तरह कामा नहीं होना चाहिए और ये बच्चा पुलिस से जो वास्ता रखे हुआ है बड़े बड़े ऑफिसरों से इसे नाजायज फायदा उठा रहा है अब कुछ आप सवाल करें तो उसका जवाब दूंगा ये आपके बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे हैं बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों से दोस्ताना है और रफीक साहब से दोस्ताना है और अब रफीक साहब ही शहीद है इंचार्ज है और डी सी पी साहब को लेने मालूम और जो है ना कमिश्नर साहब से उठना बैठना है वहाँ से वास्ता लगा के यहाँ आता केस में ये लोग को सुनना पड़ता फिर बस पुलिस को लेकर आता गली में कुछ तो अभी बच्चों को नाजायज हरकतें कर रहा कितनी बार कंप्लेंट करा इनके पर अभी तक ये तीसरी मरतबा होगा एक बार भी कंप्लेंट नहीं हुई नहीं हम लोग एक मरतबा कंप्लेंट करे लेकिन वो नहीं लिए अभी तक उसका कोई एफ आई आर काफी नहीं जाना बच्चा का हुसैन अली आपका नाम मेरा नाम अली बिन अब्दुल रब बाखताब चंदन गुट्टा अठारह ये क्या है बस्ती के बच्चों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें कोई नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चे बस्ती के बच्चे दो दो पाँच रुपए का चालान भी भरे हुए नहीं है इसमें बस्ती के बच्चों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें कुछ भी कोई गलत काम बैठना उठना या नहीं निकलते अपने काम से बाहर जाते अपने घर का सौदा लाते चले आते घरों में और ये पुलिस आई तो घर में से ही निकले बच्चे जी भाई आपके घर वालों को बुला के जो स्पीच दिया सही है वो नहीं सब ये झूठा माँ को धोखा दे के जो है ना वीडियो लिया बड़े बड़े ऑफिसरों से उसके तालुका आप लोगों को धमकी देता था धमकी देता बच्चों को धमकी दे रहा यहाँ के पुलिस ऑफिसरों से जो है ना काम निकाल रहा है माँ के ऑफिसरों से बात करके वहाँ से फोन करा के आता है सरकल साहब को ये बात है तो बस कार्ड है पुलिस।